हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। क्या रॉबर्ट ओपेनहाइमर को पूरा विश्वास था कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन दबेगा तब धरती चेन रिएक्शन की चपेट में आकर राख नहीं बनेगी? तो इसका जवाब है नहीं। अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों ने पूरी धरती का जुआ खेल लिया था। लेकिन सवाल आता है ये कि सारी कैलकुलेशन निकालने के बाद भी रॉबर्ट ओपेनहाइमर को पूरा यकीन क्यों नहीं था कि धरती बचेगी या नहीं? कोई तो कारण होगा। इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक ऐसे हथियार को बनाने के बारे में भी सोचा था जो एक झटके में पूरी धरती का चैप्टर निपटा सकता था। हाँ जी, ये तिकड़मबाजी भी अमेरिकी वैज्ञानिकों ने लगाई थी। चलो पूरी कहानी बताता हूँ। 1943 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट की टीम बना रहे थे तब उन्होंने एडवर्ड टेलर को लॉस एल्मोस की लेबोरेटरी में थ्योरेटिकल फिजिक्स डिवीजन का ग्रुप लीडर अपॉइंट कर दिया। ये लॉस एल्मोस की लेबोरेटरी क्या चीज है? तो देखो भैया, ये वो स्थान था जहाँ रॉबर्ट ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने दुनिया के पहले न्यूक्लियर बॉम्ब के उर्जे पुर्जे आपस में जोड़े थे। अब इस लेबोरेटरी में एडवर्ड टेलर को इस बम पटाखे से होने वाले धूम धड़ाके की ऊर्जा और अलग अलग संभावनाओं का चर्चा का पर्चा बनाने का काम सौंपा गया था। शॉर्ट में बोलूं तो थ्योरेटिकल एनालिसिस। अब भैया ये अपना ताम झाम लेकर हिसाब किताब में लग गए और फिर इनके दिमाग में एक विचार आया कि कहीं अगर एटम बॉम्ब से निकलने वाली ऊर्जा ने हवा और पानी में मौजूद हाइड्रोजन को आपस में फ्यूज करा दिया तो, जैसा कि हमारे सूरज में होता है, तो यहां से चलने वाली रिएक्शन पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लेगी और कुछ भी नहीं बचेगा। अब इन्होंने ये बात सीनियर न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हांस बेथ को बताई, जिन्होंने इनसे कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे ख्याल बना रहे हो? ऐसा कुछ ना होने वाला, ज्यादा दिमाग ना चलाओ, काम पे ध्यान लगाओ। अब एडवर्ड टेलर ने अपने इस डर को आर्थर कॉम्प्टन के कानों में जाकर फुसफुसा दिया और वहां से ये बात घूम फिर के पहुंची रॉबर्ट ओपेनहाइमर के पास। अब चलो एक मजे की बात बताता हूं, जो कि आपको ओपेनहाइमर पिक्चर में नहीं बताई गई होगी, वैसे मैंने देखी नहीं है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आर्थर कॉम्प्टन की सिफारिश पे ही दी गई थी। इन्होंने फिजिक्स में कॉम्प्टन इफेक्ट के लिए 1927 का नोबेल प्राइज जीता था। अब आर्थर कॉम्प्टन ने रॉबर्ट ओपेनहाइमर के कन्ने टाइट कर दिए और इनसे कहा, अगर पूरी धरती के खत्म होने की जरा सी भी संभावना है तो एटॉमिक बॉम्ब पर काम तुरंत रोक दो। अब जरा एक पल के लिए आप ये सोचिए, ये वो वैज्ञानिक थे जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीत चुके थे और ये अकेले नहीं थे बल्कि अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट वो भी इस चीज को लेकर श्योर नहीं थे कि आखिर जब इस बम को फोड़ा जाएगा तब क्या नतीजा निकलेगा। इसके बाद एक कमीशन का गठन होता है जिनका काम था इस बात की संभावना तलाशना कि न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने के बाद धरती बचेगी कि नहीं। जिस कमेटी का हिस्सा रॉबर्ट ओपेनहाइमर खुद थे, मतलब अगर मगर का चक्कर ही खत्म, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपने हाथों में ही जिम्मेदारी ले ली। अब इस कमेटी के पास सारी जाँच पड़ताल करने के लिए मात्र 6 महीने का समय था क्योंकि ट्रिनिटी टेस्ट की डेट पहले ही फिक्स की जा चुकी थी। इन्होंने दिन रात एक करके एक रिपोर्ट तैयार करी जिसमें क्या पता चला, ये अमेरिका ने 1970 तक आम जनता से छुपा कर रखा था। अब ये मैं श्योर नहीं हूँ कि इस रिपोर्ट में बाद में छेड़खानी की गई थी या नहीं, पर आज के समय ओपन सोर्स के रूप में जो रिपोर्ट अवेलेबल है वो मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब जरा आसान भाषा में बताता हूँ कि उस रिपोर्ट में लिखा क्या था, लेकिन उससे पहले वो सवाल जान लो जिसका जवाब वो लोग मिलकर ढूंढ रहे थे। और सवाल था ये कि क्या हवा में मौजूद गैसेस, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं हाइड्रोजन नहीं बोल रहा हूँ बल्कि अब रिसर्च के दायरे को बढ़ाकर वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हवा में मौजूद गैसेस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से पैदा हुई परिस्थितियों में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को शुरू करके लगातार चलने वाली और कभी न रुकने वाली एक चेन रिएक्शन को शुरू तो नहीं कर देंगी। चलिए अब जानते हैं कि वैज्ञानिकों को क्या मिला। अब आगे बढ़ने से पहले फ्यूजन और फिशन का अंतर समझ लेते हैं ताकि बाद में जाकर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। जब किसी भारी एटम का न्यूक्लियस टूटकर दो नए एटम बनाते हुए थोक के भाव में जबरदस्त ऊर्जा उत्पन्न करता है तो उसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। अब अगर दो एटम के न्यूक्लियस आपस में जुड़कर एक नया एटम बना दें तो इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे। जो रिएक्शन हमारे सूरज में हो रही है, यानी हाइड्रोजन के आइसोटोप आपस में जुड़कर हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर दोनों में से ज्यादा ऊर्जा किसमें मिलेगी? तो भाई साहब, वैसे तो फ्यूजन में मिलती है, लेकिन ये कोई इतनी ज्यादा ऊर्जा नहीं है जिसके लिए वैज्ञानिक हाय तोबा मचा रहे हैं कि जी चलो फ्यूजन रिएक्टर बनाओ। नहीं, बल्कि कारण कुछ और है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। फिलहाल फ्यूजन और फिशन को समझते हैं और अब मैं इस वीडियो की सबसे जरूरी यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। चलो जी शुरू करते हैं ज्ञान के पर्चे पर चर्चा। जब मैंने हैवी न्यूक्लियस बोला तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आना चाहिए, ये हैवी न्यूक्लियस क्या होता है, किस कारण की वजह से न्यूक्लियस हैवी है? तो देखो भैया, जिस एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा
ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो उतना ही हैवी कहलाएगा। अब अगला सवाल आता है ये कि एलिमेंट्स के कुनबे यानी पीरियोडिक टेबल में वो कौन से खाते पीते घर के एलिमेंट्स हैं जो ओवरवेट हो चुके हैं। तो जी हैं तो काफी, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ यूरेनियम की। अब यहाँ पर आपके दिमाग में दो सवाल आने चाहिए। पहला ये कि जी अगर हल्के भारी का चक्कर है तो यूरेनियम से भारी एलिमेंट फिशन काहे नहीं करते, और यूरेनियम का भी सिर्फ यूरेनियम 235 आइसोटोप ही फिशन रिएक्शन क्यों करता है, ये कौन सी सेटिंग चल रही है इनकी, जबकि यूरेनियम 238 तो यूरेनियम 235 से भी ज्यादा भारी है, ये भेदभाव क्यों हो रहा है। हाँ जी, इस भेदभाव का भी एक कारण है, एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। आपके सामने इस समय दो वीडियो प्ले हो रही है, जिसमें से एक वीडियो में महाराज बिना डंडे के तार पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी वीडियो में डंडा पकड़ रखा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों जमूरों को आप यूरेनियम के दो आइसोटोप मान लो, एक 235 और दूसरा 238, लेकिन कौन सा है 235 और 38? तो जनाब जिसके पास डंडा नहीं है वो तो हो गया 235 और जिसके पास डंडा है वो हो गया 238। लेकिन क्यों, अगर थोड़ी देर के लिए ये बात मान ली जाए कि दोनों का वजन 70 किलो है तो तार के ऊपर दोनों जमूरों का 70 किलो हो गया, लेकिन जिसके हाथ में डंडा है उस डंडे का वजन भी तो तार पर पड़ेगा। यानी अगर दोनों तार पर जो टोटल वजन पड़ रहा है वो डंडे वाले का ज्यादा होगा, और इसी तरीके से 238 का वजन भी ज्यादा होता है तो डंडे वाला हो गया 238 और बिना डंडे वाला हो गया 235। लेकिन जरा आप ये सोचो कि आखिर ये डंडा काम क्या कर रहा है। तो जी ये डंडा इस आदमी को बैलेंस दे रहा है, यानी इसको तार से गिराने वाली जो फोर्सेस हैं उनको ये बैलेंस कर रहा है। अब इस बात का क्या लॉजिक निकला, तो देखो जी लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, वजन जरूर बढ़ गया है लेकिन उस बढ़े हुए वजन ने स्टेबिलिटी दी है, स्थिरता दी है। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि यूरेनियम 238 यूरेनियम 235 से ज्यादा भारी है, लेकिन वो भारी है क्यों, इस बात पर ध्यान दीजिए। तो जी उसका वजन बढ़ा है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स की वजह से, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई तो न्यूक्लियस और भारी हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन्स की वजह से ये बढ़ा हुआ वजन न्यूक्लियस को तोड़ने के बजाय उसे स्टेबिलिटी देता है, स्थिरता देता है। जैसे तार पर चलने वाले जमूरे को उसके हाथ में पकड़ा हुआ डंडा स्टेबिलिटी दे रहा था, ठीक इसी तरीके से ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी देते हैं। अब सवाल आता है ये कि ये कैसे देता है। तो यहाँ से तो कहानी पूरी घूम जाएगी, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ मुड़ जाएगी। इसे किसी और वीडियो के लिए बचा लेते हैं, वैसे मोटा मोटा आइडिया तो मैंने आपको दे ही दिया। तो अब हो ये रहा है कि वही एलिमेंट न्यूक्लियर फिशन करेगा जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का गोल्डन रेशो होगा, यानी एक ऐसा रेशो जो न्यूक्लियस को स्थिरता देने के बजाय उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, जो प्लूटोनियम के साथ भी है। अब आप सोच रहे होंगे कौन है ये लोग, मेरा मतलब कौन है ये फोर्सेस, कहाँ से आती हैं? तो जी ये है कुलाम बाबा का चूरण। हाँ जी कुलाम फोर्सेस, आओ समझाता हूँ। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं बहुत सारे प्रोटॉन जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, यानी एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं, तो एक दूसरे पर धक्का लगाते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पूरे के पूरे न्यूक्लियस को एक साथ बांध कर रखती है। अब प्रोटॉन्स के द्वारा लगाई जा रही ताकत अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा हो जाए या कोई बाहरी कारण उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को डिस्टर्ब कर दे जिसके कारण प्रोटॉन्स बगावत पर उतर आए तो ये न्यूक्लियस टूट जाएगा। अब इसी कारण की वजह जैसे जब यूरेनियम 235 के ऊपर बाहर से एक न्यूट्रॉन देकर मारा जाता है तो ये डिस्टरबेंस उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को तोड़ देता है, और लो जी शुरू हो गया यूरेनियम 235 के क्रियाक्रम का कार्यक्रम। अब आपका अगला सवाल ये होना चाहिए कि जी ये थोक के भाव में जो न्यूक्लियस के अंदर से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है ये कहाँ पर छुप कर बैठी है जो तोड़ने पर बाहर निकलती है, मतलब क्या ये ऊर्जा न्यूट्रॉन प्रोटॉन से निकल रही है, क्योंकि वही तो दुष्ट हैं जो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं। आओ समझाता हूँ। अब इस आलू को आप एक एटम मान लो और मान लो कि हमने इसका वजन तोल लिया है। अब अगर मैं इसे काट दूं, लो जी मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, अब अगर मैं इसका वजन तोलूंगा तो इसका वजन उतना ही आएगा जितना कि पहले आ रहा था। लेकिन एटम्स के साथ ऐसा नहीं है, ये ससुरे अपनी अलग ही कहानी चला रहे हैं। एटम का 99.99% मास उसके न्यूक्लियस में होता है, और अगर आपको ये लगता है कि एटम को तोड़ने के बाद उसके अंदर से निकलने वाले न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जोड़कर, मतलब उनके मास को जोड़कर पूरे एटम के मास को रिकवर कर लोगे तो आप गलत हो, ऐसा नहीं होता। ये एटॉमिक लेवल के जो नियम हैं ये कुछ अलग तरीके से काम करते हैं, आओ समझाता हूँ। एक और चीज न्यूक्लियस के अंदर घुसकर बैठी है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस ग्लू या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब यही वो न्यूक्लियर ग्लू है जो सेम चार्ज होने के बावजूद भी आपस में धक्का मुक्की खेल रहे प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को एक साथ बांध कर रखती है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन मौजूद हैं उनका पूरा मास
और एटम के पूरे मास में जो अंतर है उसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। अब जितना ज्यादा ये अंतर होगा उतनी ही ज्यादा न्यूक्लियर बाइंडिंग ग्लू न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगी, और जितना ये अंतर कम होगा उतना ही न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। और अगर इस बात को किताबी भाषा में कहें तो जितना ज्यादा मास डिफेक्ट उतना ज्यादा स्टेबल एटम, और जितना कम मास डिफेक्ट उतना ही अनस्टेबल है एटम। तो जब यूरेनियम का एटम टूटा तो ये जो मास में अंतर पैदा हुआ था ये इसी न्यूक्लियर ग्लू का था, यानी न्यूक्लियर ग्लू ऊर्जा में बदल गई। और इस बात को साबित करा था फिजिक्स के फूफा महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी फेमस एनर्जी मास इक्वलेंस की इक्वेशन से, यानी E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, यानी मास ऊर्जा में बदल सकता है। लो जी, ये तो हो गया न्यूक्लियर फिशन, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन का चक्कर पूरी तरह से अलग है। न्यूक्लियर फ्यूजन को कोई मतलब नहीं है कि किसका एटम है, कौन सा एटम है। उसे तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर मिल गया, मतलब पर्याप्त मात्रा में मिल गया, तो भाई साहब वो हर चीज को फ्यूज कर सकता है। अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए वैज्ञानिकों को ये डाउट था कि भैया फिशन रिएक्शन तो वो चालू कर देंगे, लेकिन इससे जो ऊर्जा निकलेगी कहीं वो इतना तापमान और प्रेशर पैदा ना कर दे कि हवा में मौजूद गैसेस के एटम आपस में फ्यूज होना शुरू कर दे। क्योंकि अगर एक बार वो फ्यूज होना शुरू हो गए तो उससे निकलने वाली ऊर्जा बाकी एटम्स के लिए उतना टेम्परेचर और प्रेशर पैदा कर देंगी कि वो भी फ्यूज होना शुरू कर दें, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। अब ये तो थी पहली संभावना। वैसे इसका एक टेक्निकल नाम भी था, इसे कहा गया कॉन्सेप्ट ऑफ गेन्स, GAINS। अब दूसरी संभावना सुनो, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉसेस। अब वैज्ञानिकों ने दूसरी संभावना ये सोची कि जैसे जैसे न्यूक्लियर फिशन के एक्सप्लोजन का दायरा बढ़ेगा ये एटमॉस्फेयर में अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा, मतलब लूज करेगा। जैसे जब आप आग जलाते हो तो उसकी जो ऊर्जा निकलती है वो वातावरण में एब्जॉर्ब हो जाती है, छितर जाती है, बिखर जाती है। इसी तरीके से न्यूक्लियर फिशन से होने वाला धमाका अपनी एनर्जी वातावरण में लूज कर देगा, और कभी भी इतना तापमान नहीं बन पाएगा कि ये चेन रिएक्शन को सेटअप कर दे, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट कर दे। अब इसी गेन्स और लॉस के कॉन्सेप्ट पर पूरी धरती का भविष्य झूल रहा था, मतलब कैलकुलेशन में एक डेसिमल इधर उधर, और भाई साहब अमेरिका ने खोद कर तैयार कर रखी थी पूरी धरती पर जीवन की कब्र। अब जिस रिपोर्ट का जिक्र मैंने किया था उस रिपोर्ट में सेफ्टी फैक्टर को निकाला गया, और ये सेफ्टी फैक्टर था रेशो ब्रेकिंग लॉसेस अपॉन फ्यूजन गेन्स का। ध्यान से सुनिएगा, अब ये ब्रेकिंग लॉसेस क्या चीज है। तो भाई साहब ये है ब्रेमस्ट्रॉलोंग, जर्मन वर्ड है जिसे बोलने में जबान टेढ़ी हो जाएगी। हम ब्रेकिंग लॉस और फ्यूजन गेन से काम चला लेते हैं, तो इन दोनों का रेशो हमें बताएगा सेफ्टी फैक्टर के बारे में, और ये सेफ्टी फैक्टर 1 से ज्यादा ही होना चाहिए, तभी धरती बचेगी, नहीं तो निपट जाएगी। और पता है कि मिनिमम सेफ्टी फैक्टर उस रिपोर्ट में कितना निकला था, आप जानकर हैरान हो जाओगे, वो था 1.6। मतलब मुझे नहीं पता कि आप इसका मैग्नीट्यूड समझ पा रहे हो या नहीं। एक उदाहरण देता हूँ, हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनका सेफ्टी फैक्टर भी 1 से बहुत ज्यादा होता है, हर मशीन का सेफ्टी फैक्टर निकाला जाता है। और भाई साहब यहाँ पे हम न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहे हैं और का सेफ्टी फैक्टर निकल के आ रहा था 1.6। यानी मोटा मोटा मतलब ये निकला कि अगर जरा सी भी कंडीशन इधर उधर हुई तो सब खत्म, फिनिश, नील बटा सन्नाटा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया जब इतनी खतरनाक चीजें सामने निकल कर आई कैलकुलेशन में तो फिर इतनी हिम्मत इन्होंने कैसे दिखाई कि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब को फोड़ दिया। हाँ जी, इसके पीछे भी कारण है, आओ बताता हूँ। तो जी वो चीज थी टेम्परेचर। हाँ जी, देखो जिन चीज को कंसिडर करके हमने सेफ्टी फैक्टर निकाला वो था ऊर्जा का रेशो, यानी एनर्जी लॉस और एनर्जी गेन का रेशो। लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है। ऊर्जा का मतलब टेम्परेचर नहीं होता है, और जब हमने अपनी कैलकुलेशन में टेम्परेचर को कंसिडर किया, मतलब हमने नहीं लॉस एल्मोस की लेबोरेटरी में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने, तब उसने हमारे सेफ्टी फैक्टर को 1000 गुना बढ़ा दिया। अब मैं उस बोरिंग मैथ में नहीं जाऊंगा कि उन्होंने ये कैसे निकाला, वो पेपर में लिखा है, आप समझ लोगे अगर थोड़ी बहुत न्यूक्लियर फिजिक्स की जानकारी है तो। अब इसी टेम्परेचर की वजह से वैज्ञानिकों ने ये कैलकुलेट करा कि दुनिया में कोई भी बॉम्ब इस टेम्परेचर को अचीव नहीं कर सकता जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए धरती पर चाहिए। और देखो मैं बात कर रहा हूँ 1940s की, आज के समय की नहीं। आज के समय तो टेक्नोलॉजी काफी आगे निकल गई है, पर अभी भी हम न्यूक्लियर फ्यूजन में स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इसके बाद वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि अगर मान लो कल को किसी का मन करे कि नहीं ये ग्रह ठीक नहीं है ना, नए तरीके से बसाएंगे, चलो साफ सफाई करते हैं, मतलब जीवन को निपटाते हैं धरती से, एक बम बनाते हैं ऐसा जो ये काम
काम कर सके। तो आखिर वो बम बनेगा कैसे, इसकी भी कैलकुलेशन की गई है। हाँ जी, वो भी सुन लो। अब देखो, क्योंकि वैज्ञानिक अमेरिकी थे तो उन्होंने अमेरिका के हिसाब से ही चीजें बताई थी, यानी जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, अगर उस पूरी बिल्डिंग के बराबर का हवा का वॉल्यूम 100 मीटर के दायरे का स्फीयर बनाता है, जिसका तापमान सूरज के तापमान से कुछ मिली सेकंड्स के लिए भी अगर 10 करोड़ गुना ज्यादा हो जाए, तो धरती पर फ्यूजन चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। अब ये होगा कैसे? अगर इसे आज के जमाने से कंपेयर करूं, तो जितने भी डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन है, यानी के न्यूक्लियर बॉम्ब, अगर सारे के सारे एक जगह रखकर एक साथ फोड़ दिए जाए, तो भी इससे 20 गुना ज्यादा, हाँ जी 20 गुना ज्यादा, इतने हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए जो इस टेम्परेचर को अचीव कर सके। अब यहाँ पर आपका सवाल होना चाहिए कि वैज्ञानिकों ने 100 मीटर के रेडियस की एयर को ही क्यों चुना। तो देखो, अगर छोटा रेडियस लेते, तो इससे पहले की ऊर्जा से पैदा हुआ जबरदस्त तापमान गैसेस के एटम्स को फ्यूज करता, वो हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर में रेडिएट हो जाती। लेकिन अगर हम 100 मीटर के रेडियस का गैस का स्फीयर लें, तो धमाके के सेंटर से इससे पहले की हीट एनर्जी रेडिएट हो पाए, वो उस स्फीयर के अंदर मौजूद गैसेस के एटम को फ्यूज करा देगी और काम हो जाएगा। अब जब केनेथ बेनब्रिज ने ओपनहाइमर से ये पूछा कि भैया कितने परसेंट चांस हैं कि धरती का चैप्टर नहीं निपटेगा, तब ओपनहाइमर ने ये कहा था कि लगता है नियरली जीरो। और केनेथ बेनब्रिज ने ये पूछा था, व्हाट यू मीन बाय नियरली जीरो, जिस पर ओपनहाइमर ने ये जवाब दिया था कि देखो, इससे पहले कभी हमने एटम बॉम्ब नहीं फोड़ा है, तो इतने बड़े इवेंट में अटोमिक या सब अटोमिक लेवल पर क्या चीज निकलेंगी या कौन सी परिस्थितियाँ पैदा होंगी, इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो अभी तक जितनी चीजों की जानकारी हमें है, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि शायद हम बच जाएंगे। और भाई साहब, इसी शायद के भरोसे पर इन्होंने जुआ खेल लिया। वैसे ओपनहाइमर मूवी में शायद कर्नल लेज़ली ग्रूव से ओपनहाइमर का ये डिस्कशन दिखाया गया है, जबकि असलियत में ये डिस्कशन ओपनहाइमर और केनेथ बेनब्रिज के बीच में हुआ था। अब जरा ये जान लेते हैं कि हम फ्यूजन रिएक्टर क्यों बना रहे हैं। देखो, फिशन रिएक्टर बनाकर हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि इसका जो वेस्ट निकलता है, न्यूक्लियर वेस्ट, भाई साहब इसको हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल है। मतलब इसको ठिकाने लगाना आसान नहीं है, जबकि फ्यूजन रिएक्टर में इतना झंझट नहीं है। मतलब अगर मुझे शॉर्ट में बताना हो तो लेस रेडियो एक्टिव वेस्ट, अबेंडेंट फ्यूल सप्लाई, ग्रीन हाउस गैसेस ना निकलती, इसकी हाई एनर्जी डेंसिटी है, फिशन रिएक्टर से सेफ है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए सभी लोग फ्यूजन रिएक्टर के पीछे दौड़ रहे हैं। अब जिस पर्चे का हवाला देकर मैंने इस वीडियो में चर्चा की है, वो पर्चा मिलेगा आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि अमेरिका ने इस रिपोर्ट के साथ कोई छेड़खानी ना करी हो। मतलब हो सकता है कि उन्हें कुछ चीजें और भी पता लगी हो, लेकिन वो पब्लिक ना की गई हो। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वैसे अमेरिका की हरकतें देखकर शक तो होता ही है। चलो जी, ये है इस वीडियो का अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।